वंदना जोशी कुकिंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मैं बनाऊंगी अजवाइन के लड्डू जन्माष्टमी के पावन अवसर पर। अब अजवाइन के लड्डू के लिए हमको जो सामग्री चाहिए वो यहाँ मौजूद है। ये अजवाइन है, ये 100 ग्राम अजवाइन है, और ये नारियल का बूरा है, और ये शुद्ध घी है, 4 टेबल स्पून शुद्ध घी है, और ये हमने इसको डीप फ्राई करके ये बादाम है, इसको हमने डीप फ्राई करके और छोटे पीस करके रखे, और ये काजू है, इसको भी हमने डीप फ्राई किया शुद्ध घी में, और इसके भी छोटे छोटे पीस करें, और ये गुड़ है, ये गुड़ 200 ग्राम है, 100 ग्राम में 200 ग्राम या 250 ग्राम गुड़ डलता है। सबसे पहले हम ये अजवाइन को सेकेंगे, इसको हम 5 से 10 मिनट सेकेंगे, लगातार चलाना पड़ेगा इसको, और ये अजवाइन जल्दी सिक जाती है। आप चाहें तो इसमें मीडियम गैस को मीडियम भी रख सकते हैं, और तेज आंच पे अगर करना है तो आपको जल्दी जल्दी चलाना पड़ेगा। अब ये हमारी अजवाइन सिक गई है, अब इसको हम मिक्सर में दरदरी पीसेंगे। अभी अजवाइन ठंडी हो गई है, अब हम इसको मिक्सर में पीसेंगे। ये अजवाइन पीस गई है, इसको पीसने में 1 मिनट से आधे मिनट में ये पीस गई है, ये दरदरी हो गई है। अब ये कढ़ाई रखेंगे हम इसमें, और ये जो 4 टेबल स्पून घी है इसमें हम डालेंगे। घी थोड़ा गर्म हो जाएगा फिर इसमें हम गुड़ डालेंगे। अब ये घी गर्म हो गया है, इसमें हम ये 200 ग्राम गुड़ है जो हम इसमें डाल रहे हैं। अब ये थोड़ी देर में 2 मिनट के अंदर ये गुड़ बिल्कुल पिघल जाएगा। अब ये हमारा गुड़ बिल्कुल पिघल गया है, इसको ज्यादा देर आंच पे नहीं रखते, नहीं तो गुड़ कीठा हो जाता है। ये हमने बंद कर दिया है। अब इसको हम नीचे उतार के और इसमें अजवाइन डालेंगे जो हमने पीस के रखी है। ये हमने अजवाइन पीस के रखी है, वो इसमें हम डाल रहे हैं। ये अजवाइन पूरी हम मिला देंगे, इसके बाद इसमें हम ड्राई फ्रूट्स, नारियल का बूरा, ये सब इसमें डालेंगे, और फिर जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसके लड्डू बांधेंगे। अभी बहुत गर्म है, अब इसमें हम ये ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। ये हमने काजू डाली है, ये बादाम, अब इसको हम मिला रहे हैं। इसमें नारियल का बूरा डाल रहे हैं। अब ये बिल्कुल अच्छे से मिला के और जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसके लड्डू बांधेंगे, क्योंकि गरम गरम में लड्डू बनते नहीं है, हाथ जलते हैं। बिल्कुल ठंडा हो गया है, ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, और हमने इसको अच्छा मिक्स कर लिया है, और गुड़ और ये सब चीज जो हमने मिलाई है ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसको ऐसे लेके फिर इसके लड्डू बांधेंगे। अब ये हमारे अजवाइन के लड्डू बन गए हैं, तो अब आप ये अजवाइन के लड्डू का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो।